नमस्कार दोस्तों, आज का किस्सा बहुत ही मार्मिक और बहुत ही जोरदार होने वाला है। इस किस्से को आप ध्यान लगाकर पूरा सुनेंगे तो आपकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगेगी। तो चलिए श्रोताओं, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे किस्से प्रस्तुत करने का उत्साह बढ़ जाता है। हमें भी लगता है कि हमारे किस्से को आप पसंद कर रहे हो। तो चलिए आते हैं कहानी पर। एक समय की बात है, महलों की छत पर राजा और रानी चौपड़ पासे का खेल खेल रहे थे। रानी का नाम जलदेई था। जलदेई पासे के खेल में निपुण थी। उधर राजा भी बहुत ही अच्छे चौपड़ के खिलाड़ी थे। होने का संयोग ऐसा होता है कि जैसे ही वो खेल खेल रहे होते हैं तो खेल खेल में राजा रानी से हार जाता है। रानी उसको एक बार नहीं बल्कि कई बार चौपड़ के खेल में हरा देती है। इस बात से क्रोधित होकर राजा रानी से कहने लगता है कि आप इस खेल में कोई ना कोई बेईमानी कर रही हो। लेकिन रानी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आपसे बिल्कुल भी बेईमानी नहीं कर रही हूँ। उसी वक्त क्या हुआ श्रोताओं, दो तोते वहां होकर उड़ के जा रहे थे। तभी राजा कहने लगा कि रानी चौपड़ के खेल को छोड़ो, आप ये बताओ इन पक्षियों में ये दोनों नर हैं या नर नारी का जोड़ा है। रानी कहने लगी कि महाराज आप ही बताइए। राजा ने कहा कि ये दोनों नर हैं। रानी ने कहा कि नहीं महाराज, ये दोनों नर नारी का जोड़ा है। राजा ने कहा अगर ये दोनों नर नारी के जोड़े हुए तो आप जीत जाओगी और मैं ये राज्य छोड़ करके चला जाऊंगा, और अगर ये दोनों नर निकले तो आपको मेरा महल छोड़ करके जाना पड़ेगा। दोनों में बात ही बात में शर्त लग जाती है। राजा ने आदेश दिए, अपने सैनिकों को बुलाया और उस पेड़ पर जहाँ पर वो दोनों पक्षी बैठे थे उस पर जाल गिरवा दिया। जाल गिरवाते वक्त रानी को तो पता था कि ये दोनों नर नारी के जोड़े हैं। उसी वक्त रानी उन सैनिकों के पास में पहुंच जाती है और उनसे कहने लगी कि सुनिए, मुझे पता है कि ये दोनों नर नारी के जोड़े हैं, लेकिन राजा अगर शर्त हार जाते हैं तो देश छोड़ करके चले जाएंगे और जब हमारा राज्य राजा विहीन हो जाएगा तो इसको चलाएगा कौन। इसलिए हे सैनिकों, आप राजा के सामने कहना कि ये दोनों नर हैं, इसलिए मैं शर्त हार जाऊंगी और मेरा इस देश से चले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सैनिकों ने ऐसा ही किया। राजा से कहा कि महाराज ये दोनों नर हैं। ऐसी बात जब राजा ने सुनी तो राजा खुशी के मारे फूला नहीं समाया और रानी को तुरंत आदेश दे दिया कि जाओ आप मेरा देश छोड़ करके चली जाओ। रानी तुरंत वो देश छोड़ करके चली जाती है। चार सैनिक रानी को एक बीहट जंगल में छोड़ करके आ जाते हैं। भगवान की ऐसी मर्जी हुई कि रानी के पेट में दो चार महीने का बच्चा पल रहा था। रानी गर्भवती थी। कुछ समय तो रानी ने जंगल में फल फूल और पत्ते खाकर बिताए और कुछ समय रानी ने भूखे रहकर जंगल में बिताए। रानी के ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूटने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और 9 महीने का समय पूर्ण हो चुका। रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया और बहुत भारी बारिश होने लगी। रानी ने एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। उसमें उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उधर क्या हुआ श्रोताओं, एक दूसरे शहर का राजा शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आया हुआ था। उस राजा से उसकी माँ ने कहा था कि बेटा आप तीनों दिशाओं में शिकार खेलने के लिए चले जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। लेकिन वो राजा बहुत हठी था। वो दक्षिण दिशा में ही शिकार खेलने के लिए आया और जैसे ही उसे शिकार नहीं मिली तो निराश होकर रात्रि के समय में अपने महलों की तरफ जा ही रहा था
कि उसे बरगद के पेड़ के नीचे जैसे ही बिजली कौंधी, आसमान में बिजली चमकी, तो उसे वो नारी दिखाई पड़ी जो अभी अभी एक बच्चे को जन्म दे रही थी। क्या हुआ श्रोताओं? नारी को देख करके राजा ने अपना घोड़ा रोका और उसे पूछा कि आप कौन हो, कोई भूतनी हो, कोई डायन हो? रानी जल्दी कहने लगी कि नहीं, मैं ना कोई भूतनी ना कोई डायन, मैं आसमान से पटकी हूँ और धरती माता की झीली हूँ। लेकिन मेरे पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आप अपना एक दोसाला मेरी तरफ फेंक दो, इसे मैं लपेट करके बाहर निकल सकती हूँ। श्रोताओं, राजा ने अपने कंधे का दोसाला रानी जल्दी को फेंक दिया और उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया। श्रोताओं, पहले जमाने में धर्म के बहन भाई हुआ करते थे, उनके मध्य इतना प्रेम होता कि सगे भाई बहन के अंदर भी नहीं होता। राजा ने अपने धर्म की बहन रानी जल्दी को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महलों में पहुंचा दिया। महलों में आने के बाद गांव के प्रजाजन राजा से कहने लगे, कोई तो कहता कि राजा बहन लाया है और कोई कहता कि राजा लोगाई लाया है, राजा पत्नी लाया है। लेकिन रानी जल्दी के धर्म के भाई ने अपने राज्य में आदेश करा दिया कि किसी ने भी मेरी बहन के बारे में उंगली उठाई तो मैं उसका हाथ कटवा दूंगा। उसके बाद सभी उस रानी जल्दी को राजा की बहन मानने लगे। धीरे धीरे जो बच्चा रानी ने जन्म दिया, धीरे धीरे जिस बच्चे को रानी ने जन्म दिया वो बड़ा होने लगा और उस लड़के का नाम उसके मामा जी ने शेर सिंह रख दिया। श्रोताओं, शेर सिंह राजाओं का पुत्र था, बहुत ही जल्दी बड़ा होने लगा। जैसे ही शेर सिंह 6 साल का हुआ, उसके मामा ने उसे गुरुकुल में दाखिला दिला दिया। एक दिन गुरुकुल से वापस आते वक्त रास्ते में उसे एक बंजारे की गायों का टोल दिखाई दिया। बंजारे ने एक लड़के को रास्ते में चलते हुआ देख उससे कहा कि हे भाई, कौन हो, रास्ते से हट जाओ। लेकिन वो लड़का कहने लगा कि नहीं, ये रास्ता मेरे मामा जी ने बनवाया है, इस राज्य का राजा है मेरा मामा, मैं रास्ते से नहीं हटूंगा, आप अपनी गायों को दूसरे रास्ते से ले जाइए। ऐसी बात जब बंजारे ने सुनी तो शेर सिंह के गाल पर एक झापट मार दिया। शेर सिंह रोता हुआ अपने मामा की कचहरी में जा पहुंचा, जहां पर उसके मामा जी की कचहरी लगी हुई थी। कचहरी में जाकर शेर सिंह जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही उसके मामा जी ने देखा कि शेर सिंह रो रहा है तो उसकी आंखों में खून की धारा बहने लगी और क्रोध के कारण अपनी तलवार को निकाल लिया और कहने लगा कि बोलिए भांजे, आपको अगर किसी ने हाथ लगाया हो तो मैं उसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। शेर सिंह कहने लगा कि हे मामा, मैं तो समझता था कि इस राज्य में मेरा मामा राजा है, सरदार है, लेकिन आपके राज्य में तो मेरी खाल उड़ा दी गई, मेरे गाल पर बहुत जोर का तमाचा दिया गया। राजा ने जब ऐसी बात सुनी तो तुरंत अपना घोड़ा निकाला और घोड़े पर सवार होकर उसी बंजारे के पीछे पीछे चल दिया। काफी दूर जाने के बाद में उसने बंजारे को पकड़ लिया और बंजारे को पकड़कर उसमें गहरी मार लगाना शुरू कर दिया। बंजारा अपने मुंह में तिनका लेकर और एक पैर पर खड़ा होकर राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, मैंने ही आपके भांजे को पीटने की गलती की है, मुझे पता नहीं था कि ये आपका भांजा है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मारता। राजा ने उस बंजारे को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर उस पर रहम फरमा दिया, उस पर दया आ गई। तभी बंजारा कहने लगा कि सुनो महाराज, आपने मेरी जान को बख्शा है, इसलिए आप मुझे भगवान के समान हो, मैं आज के बाद आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। राजा और बंजारे में गहरी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है, पहले के जमाने इसी प्रकार के हुआ करते थे कि किसी को माफ कर देने पर वो उनका मित्र बन जाता। दोनों में इतनी गहरी मित्रता हो गई कि राजा ने अपने सर की पगड़ी बंजारे के सर पर रख दी और बंजारे ने अपने सर की पगड़ी को राजा के सर पर रख दिया। दोनों गले मिलते हैं और राजा कहने लगता है कि आप अपनी गायों को यहीं पर विराम दीजिए और आपका खाना आज हमारे घर पर है। जैसे ही बंजारा राजा के घर पर पहुंचा
तो वो लड़के को तुरंत पहचान जाता है और शेर सिंह भी उसको तुरंत पहचान जाता है कि इसी ने मुझमें मार लगाई थी। श्रोताओं, जैसे ही दोनों खाने पर बैठे तो रानी जल्दी उन दोनों के लिए खाना परोसने के लिए आती है, तो बंजारा रानी जल्दी को देख करके एकदम से उस पर मोहित हो जाता है और उसके मन में पता नहीं कैसे कैसे पापी ख्याल आने लगते हैं। लेकिन उस वक्त उसे राजा का बहुत डर सता रहा था, कुछ कह नहीं पाया। जैसे ही खाना पूरा हुआ तो कहने लगा कि सुनो महाराज, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ और आपकी जो ये बहन है रानी जल्दी, ये मेरी भी बहन है, आप इसे मेरे साथ में भेज दें तो कुछ दिन मेरी गायों के साथ में ये भी इस संसार का भ्रमण करके आ जाएंगी। रानी जल्दी भी अपने भाई और उसके मित्र बंजारे की मित्रता को देख करके बड़ी प्रसन्न थी और वो अपने भाई से कहने लगी कि भाई, मैं आपके पास में 5-6 वर्षों से रह रही हूँ, मैं इस महल से बाहर भी नहीं गई, आप मुझे आपके मित्र के साथ में भेज दो, जब ये गाय लौटा कर वापस आएगा तो मुझे यहाँ पर वापस छोड़ जाएगा, इनके साथ में मैं भी थोड़ा भ्रमण कर लूँगी। राजा ने खुशी खुशी अपनी बहन रानी जल्दी और उसके पुत्र शेर सिंह को उस बंजारे के साथ में विदा कर दिया। बाकी दिन तो वो बंजारा अपनी गायों को 20 कोस चलाता था, लेकिन जैसे ही रानी जल्दी और शेर सिंह उसके साथ में आए तो उसको तो क्रोध था कि मुझे इस लड़के ने बहुत गहरी मार पिटवाई थी, तो उस दिन उसने अपनी गायों को 40 कोस चलाया। रानी जल्दी के पैरों में छाले पड़ गए। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, बेचारे शेर सिंह को भूख लगने लगी, पैरों में छाले तो पड़ ही गए थे, कहाँ तक चलता, राजाओं का पुत्र था, कभी उसने पैदल यात्रा नहीं की, इतनी दूरी की यात्रा में बेचारा थक गया, छोटा सा मुंह निकल आया बच्चे का, कहाँ तक चलता। उसकी माँ जलदेवी भी अपने बच्चे की शक्ल को देख देख कर मन ही मन रोने लगी, लेकिन कह कुछ नहीं सकी। जब खाने का वक्त आया तो सभी ने भरपेट भोजन किया, लेकिन शेर सिंह और उसकी माता दोनों को उस दुष्ट बंजारे ने एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा गाय का दूध दिया कि दोनों माँ बेटे इस कटोरी के दूध को पीकर रात भर निकालो, इसके अलावा आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। श्रोताओं, छोटी सी कटोरी के दूध को देखकर रानी जल्दी फूट फूट करके रोने लगती है और यह सोच लेती है कि मैं मर जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा बच्चा जीवित रहना चाहिए। वो सारा दूध अपने बच्चे को पिला देती। दूसरे दिन भी वही क्रम चालू होता है। बंजारा अपनी गायों को 30-40 कोस चलाता है, सभी के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। श्रोताओं, कुछ दिन तक तो ऐसा ही क्रम चलता रहा। रानी जल्दी बिल्कुल सूख जाती है, लेकिन अब तो उस बंजारे का अत्याचार उन दोनों पर और भी बढ़ जाता है। बेचारे शेर सिंह से सारे दिन गाय चरवाने लगता और रानी जो जल्दी थी उससे चक्की चलवाता कि सारी रात तुझे पीसना है और सारे दिन भर तेरे पुत्र शेर सिंह को मेरी गायें चरानी है, और स्वयं आराम से ऐश मौज करने लगा। अब तो रानी अपने पिछले हुए दिनों को याद कर कर के फूट फूट कर रोने लगी कि काश मैं इस बंजारे के साथ में नहीं आती तो मेरा जीवन काफ़ी अच्छे से कट रहा था, ऐसी विपत्ति मुझ पर कभी नहीं पड़ती। लेकिन श्रोताओं, जो भगवान जिसके कर्मों में कुछ भी लिख देता है वो उसे भोगना ही पड़ता है। श्रोताओं, कुछ समय पश्चात शेर सिंह गायों को चराते हुए एक बहुत बड़े इमली के पेड़ में चढ़ जाता है। इमली के पेड़ में एक खोखला था, उस खोखले में एक तोता रहता था। तोते ने 2 बच्चों को जन्म दिया हुआ था। शेर सिंह उनमें से एक बच्चे को पकड़कर अपनी माँ के पास में ले आता है। माँ उसे कुछ दाने चुगाती है, क्योंकि रात भर उसकी माता जो पीसना पीसती थी चक्की से, उसमें से उस तोते को दाना चुगाने लगती है और उस तोते को पढ़ाने लगती है कि हे तोते, तू जल्दी से बोलना सीख जा, तुझसे मेरा बहुत बड़ा काम है, ये काम तुझे करना है, किसी भी हालत में मुझे बचाना है, मेरे बेटे को बचाना है। श्रोतागणों, धीरे धीरे वो तोता भी बड़ा होने लगता है और
रानी जल्दी की शिक्षा इतनी गहरी थी कि वो तोता कुछ ही समय में बोलने लग जाता है। जैसे ही तोता पूरा शिक्षित हो जाता है तो रानी जल्दी एक छोटा सा खत उस तोते के गले में बांध देती है और उसे कहती है कि जा तोता, फला फला राज्य में मेरा भाई रहता है, उससे कह देना कि तेरी बहन और तेरे भांजे पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। किसी भी प्रकार से वो यहाँ से 700 कोस दूरी पर है, वहाँ से आकर के ले जाए। श्रोताओ, तोता ने वहीं से उड़ान भरी और तोता उड़ते उड़ते 2 हफ्तों में जाकर और शेर सिंह के मामा जी के घर पर पहुँच जाता है। और घर पर पहुँचने के बाद जैसे ही शेर सिंह का मामा उसे दिखाई देता है, उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। तोते की गर्दन में लटका हुआ खत देख करके शेर सिंह का मामा सारी बात को समझ जाता है। और जैसे ही उसे पता चला कि उसके भांजे और उसकी बहन पर इतना बड़ा संकट है, वो अपनी सारी सेना को सजा देता है। अपनी सारी सेना को सजा करके 1 महीने की यात्रा के दौरान वो उस बंजारे की सारी गायों को घेर लेता है और उस बंजारे के साथ में जितने भी ग्वाले थे, हजारों ग्वाले थे, उन सबको घेर लेता है। जैसे ही उस बंजारे को पता चला कि शेर सिंह का मामा हमारे पास में आ चुका है, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। लेकिन अब क्या होता श्रोताओ, जिसने अत्याचार किया उसका अंत निश्चित है। शेर सिंह के मामा जी ने उस बंजारे को गरम तेल में पिलवाया था, कढ़ाई में गरम तेल किया और उसमें उस बंजारे को तलवा दिया। जितने भी उसके साथ में ग्वाले थे, जिन्होंने उस शेर सिंह पर अत्याचार किया, उससे गाय चरवाई, उसको खाने को नहीं दिया, सबको उसी कढ़ाई में उसके मामा जी ने तलवा दिया, सबको जला जला कर मार दिया। तो श्रोताओं, ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है। इसके बाद इसका एक दूसरा भाग और है, उसको सुनने के लिए आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।